गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बरिश टुगेदर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज का ये ब्लॉग रहेगा मेघालय का वन ऑफ द पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट बैम्बू ट्रैक के ऊपर। सो गाइस, अभी हम घर से निकल पड़े हैं, मेरे साथ है राजेश राय। वीडियो भी आके बहुत मज़ा आने वाला है गाइस, सो एंड तक जरूर देखें। मेघालय के वेदर पे कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते, और अपने पास रहता है सिर्फ एक रेनकोट और हम रहते दो बंदे। तो हम जाते हैं दुकान पे रेनकोट खरीदने और 1200 में हम ले लेते हैं रेनकोट। फिर उसके बाद हम निकल पड़ते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। और जैसे ही हम पहुंचते हैं उमियम ब्रिज के करीब, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि काफ़ी लंबी ट्रैफिक लगी हुई रहती है, क्योंकि अभी उमियम ब्रिज का रिपेयर वर्क चल रहा है, तो खाली एक साइड से गाड़ी का आना जाना रहता है, तो इसके कारण काफ़ी हैवी ट्रैफिक लगी रहती है उमियम ब्रिज में। करीब करीब 15 मिनट वेट करने के बाद खुल जाती है ट्रैफिक और फिर हम निकल पड़ते हैं आगे। डेढ़ घंटा स्कूटी चलाने के बाद हम रुक जाते हैं कहीं ढाबे पे खाना खाने। अंदर जाके राजेश ऑर्डर करता है एक चिकन फ्राइड राइस और एक वेज फ्राइड राइस, और फिर खाना खा के पेट भाई साहब को शांत करा के हम निकल पड़ते हैं आगे। और गाइस, अभी हम लोग है शिलोंग टू मोशन राम वाला हाईवे पे, और यहाँ पे चल रहा है 4 लेन का काम। इसके चलते सड़क पूरा खराब हो गया है, सड़क भरा हुआ है धूल मिट्टी से। 15 किलोमीटर मोरंगथांग ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है। बॉम्बू ट्रेक के लिए हमें जाना पड़ेगा वाखेन विलेज, जो कि है हाईवे से 15 किलोमीटर अंदर। तो फिलहाल हम लोग है वाखेन विलेज का रोड पे। फंस गए हम लोग बीच में, पता नहीं क्या करेंगे अब। गाइस, स्कूटी का ब्रेक फेल हो गया गाइस। ये देखो, ये वाला ब्रेक काम ही नहीं कर रहा है, पूरा लूज हो गया। और यहाँ से पूरा नीचे डाउन जाना है गाइस, ब्रेक का तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके थे यहाँ पे, लगभग 10 मिनट रुका होगा हमने। ब्रेक थोड़ा काम करने लग गया था, थोड़ा सा टाइट हो रहा है, तो लग रहा है कि ज़्यादा हीट होने के कारण से ब्रेक लूज हो गया पूरा। और गाइस, लकीली पास में एक छोटा सा झरना रहता है, जिसमें से हम पानी उठा उठा के स्कूटी पे डालते हैं। इंजन ब्रेक हर जगह पे पानी डाल के हम स्कूटी को ठंडा करते हैं, और करीबन 20-25 मिनट वेट करने के बाद अपना स्कूटी का ब्रेक थोड़ा टाइट होने लग जाता है, काम करता है, तो उसके बाद फिर हम निकल पड़ते हैं आगे। अरे 3 किलोमीटर से वॉकिंग। 3 बजे के करीब हम पहुंच जाते हैं पार्किंग लॉट पे, स्कूटी को पार्क करके फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्रैक। आगे चल के हमें मिलता है टिकट काउंटर, पर हेड 100 रुपीज़ का टिकट लेके हम बढ़ पड़ते हैं आगे। बैम्बू ट्रैक का एक अलग ही मज़ा है दोस्तों, चारों तरफ पहाड़ बम्बू से भरे, बगल से नदी बहता है और साइड साइड से झरने बह रहे हैं। उतार चढ़ाव वाले रास्ते, चिड़िया की मधुर आवाज़ें, सब सुन सुन के चलना एक अलग ही मज़ा आता है। रास्ते पे बीच बीच पे छोटे छोटे 2-4 दुकानें अवेलेबल है, जिस पे आप ट्रैकिंग के दौरान ख़रीद सकते हैं पानी, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, लस्सी, बिस्किट्स वगैरह। हमने दो लिया है, कोका कोला और ये ORS रामजी के लिए। हम थोड़ी देर रास्ते पे कहीं रुक के कोल्ड ड्रिंक्स, पानी वगैरह पीते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। ये एक साइड पूरा ये बड़ा पहाड़ है, और दूसरी साइड कुछ नहीं है, बस इसका साइड से इन्होंने बैम्बू से ब्रिज जैसा बना दिया है।
वार्निंग दिया गया है मैक्सिमम 5% एक बार में एट अ टाइम। और खांसी में लिखा है हपोसान गोट सिसेन याई, इसका मतलब कि एक बार में 5 जन चल सकते। तो ये देखो इस तरह से ये ब्रिज इन्होंने बना दिया बम्बू का। और गाइस ये रहा पहाड़, ये बहुत नीचे बहुत ही गहरा खाई है। ओ नीचे पानी दिख रहा है, नदी बह रहा है, वाकेन रिवर ही है, चक्कर आ जाता है नीचे देखने में। बाई चांस अगर ये टूट गया गाइस तो सीधा नीचे खाई में, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। ये ब्रिज किस तरह से बना हुआ ये अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए इस तरह से एक रॉड डाला इन्होंने बीच में से, और ये रॉड ऐसे पूरा नीचे से होते हुए नीचे से करके इन्होंने यहाँ पे ये रॉड पत्थर के अंदर इसको फिक्स कर दिया। और कहीं पे ऐसे जो पेड़ है तो पेड़ से इन्होंने बैम्बू को बांध के एकदम ब्रिज बना दिया है। तो इस तरह से इसको काफ़ी मजबूत ब्रिज बना दिया है गाइस इन्होंने। अभी हम बहुत ही करीब पहुंच गए गाइस डेस्टिनेशन का, ये वाला पहाड़ पे चढ़ जाएंगे तो ये फाइनल है बैम्बू ट्रैक का फाइनल डेस्टिनेशन वही रहेगा। चढ़ने हमें बस ये रहा फाइनल डेस्टिनेशन। तो स्कूटी का ब्रेक फेल होके भी पहुंच गए। एंड गाइस फाइनली वी हैव रीच टू द डेस्टिनेशन ऑफ द फेमस बैम्बू ट्रैक ऑफ मेघालय। आफ्टर वॉकिंग एग्जैक्टली 1.5 आवर वी रीच टू द डेस्टिनेशन। गाइस ये देखिए ये सबसे हाई वाला पिक पॉइंट है ये वाला बम्बू ट्रैक का, और इस पर ये फ्लैग लगा हुआ है। और यहाँ से ये रास्ता है जो आपको ये पूरा रास्ता हो के घूम के यहाँ पे आना पड़ता है, और ये वाला सीढ़ी चढ़ के आना पड़ेगा गाइस। ये जो दिख रहा है नीचे ये सीढ़ी पूरा चढ़ के ऊपर आना पड़ेगा। आई होप गाइस यू लाइक द व्लॉग, सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।